चलिए जी, सिक्स क्वेश्चन चेक करते हैं। ये सभी प्रूविंग क्वेश्चंस में सबसे इजी है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि किसी भी एपी में जो एम प्लस एनएथ टर्म है और एम माइनस एनएथ टर्म है उनका सम जो है दैट विल बी टू टाइम्स ऑफ एम एथ टर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एम को 10 ले लें, एन को 2 ले लें, तो हमें प्रूव करना है जो 12th और 8th टर्म का सम है वो 2 टाइम्स होगा 10th टर्म के। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो टी एम है वो मिडल टर्म है। किसकी मिडल टर्म है? एम प्लस एन एथ टर्म एंड एम माइनस एन एथ टर्म की जो मिडल टर्म है दैट इज टी एम, तो उसका 2 टाइम्स। तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो गिवन है, गिवन तो हमें कुछ भी नहीं है, जनरल ए पी इज गिवन टू अस, सो विल स्टार्ट विद वॉट वी हैव टू प्रूव हियर। तो हमें यहाँ पर ये रिलेशन प्रूव करना है और लेट्स चेक द प्रूफ ऑफ इट। तो प्रूफ के लिए हम पहले यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि लेट कि ये जो पर्टिकुलर ए पी है इसमें ए इज योर फर्स्ट टर्म, डी इज वॉट इज कॉमन डिफरेंस एंड टी एन इज रिप्रेजेंटिंग द एन एथ टर्म, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन टी। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं हमारा एल एच एस से। एल एच एस जो है वो एम प्लस एन एथ टर्म एंड एम माइनस एन एथ टर्म का सम है, तो इसमें हम अपना फॉर्मूला डालेंगे। सो दिस विल बी ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी एंड ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये हमारा अब एलजेब्रा में रिड्यूस हो गया है, इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम आर एच एस के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ओपन करेंगे, सो विल गेट द इक्वेशन रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म। यहाँ से जो है हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, सो एल एच एस जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एम डी माइनस डी। ये अंदर की जो दो टर्म है इनमें हमारे पास d कॉमन आएगा, और ये जो हमारे पास फॉर्म है दिस फॉर्म इज नथिंग बट a प्लस एम माइनस वन डी इज एम एथ टर्म। तो हमारे पास जो एल एच एस है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एम एथ टर्म विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड सॉल्यूशन इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।